हेलो एंड वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल कमीज़। इसके लिए सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है जिसकी की लेंथ होगी, जो भी लेंथ आपको चाहिए अपने कुर्ते के लिए, और उसमें आप 2 इंच प्लस कर सकती हैं। इसका जो विड्थ होगा वो होगा जो भी आपकी हिप्स की मेजरमेंट है उसका आधा, और उसमें आप 4 इंच और प्लस कर लीजिए। तो ये जो लेंथ और विड्थ मैंने आपको बताई है, इसका आपको कपड़े का 2 लेयर है, 2 पीसेस इस फैब्रिक के लेने हैं इस मेजरमेंट के। उसके बाद उनको एक दूसरे के ऊपर रख के हमने बीच में से यहाँ ऐसे फोल्ड किया है। तो ये हमारे पास 4 लेयर हैं कपड़ों के, 1, 2, 3 और 4। अब हम यहाँ पे सिंपल कुर्ती का मेजरमेंट मार्क करेंगे। सबसे पहले ऊपर से यहाँ फोल्डेड साइड से हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे आपके शोल्डर की हाफ मेजरमेंट। तो आपका शोल्डर है अगर 14, तो आपने यहाँ पे 7 में मार्किंग करनी है। तो ये हो गया 7 में मार्किंग। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, जो कि मोस्टली 6.5-6 होती है, तो हम यहाँ पे 6.5 ले रहे हैं। यहाँ हम अपनी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम गला बनाएंगे। गला हम यहाँ पे दे रहे हैं 3 इंच का, 3 या 2.5 के बीच में आप दे सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब हम गला आपको जितना डीप चाहिए वो बना लीजिए। यहाँ 6 इंच का गला मैं बना रही हूँ और सिंपल गोल नेक दे रही हूँ। इस तरफ 1/2 इंच की मार्किंग लेके हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर से नीचे हम 13 इंच या 14 इंच, जितने भी आपकी कमर की नाप है, शोल्डर से नीचे नापिए और वहाँ पे आप मार्क कीजिए। यहाँ मैं 13 इंच पे ले रही हूँ, तो ये 13 इंच ये मार्किंग है। तो यहाँ इस लाइन में हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। ये जो आर्म होल की ये जो लाइन है, इसे भी हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए इस लाइन पे हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे, और इसके नीचे अब हम हिप्स के लिए एक लाइन बनाएंगे। हिप्स के लिए आपको इस आर्म होल की लाइन से नीचे 14 या 15 इंच जाना है। तो मैंने 14 इंच पे एक और लाइन खींची है। अब हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है, जैसे कि जो मैं कुर्ता बना रही हूँ उसका मेजरमेंट है 41, तो 41 का आधा ले लीजिए। तो 41 का आधा होता है 20 एंड हाफ। 20 एंड हाफ का फिर से आधा कीजिए, जो कि होता है 10.2। इसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए तो बन जाएगा 11.2, और हम 11.2 यहाँ मार्क करेंगे। सिमिलरली हम कमर की मार्किंग भी करेंगे। तो हमारा वेस्ट है 36, तो 36 का आधा हो जाता है 18, 18 का आधा होता है 9,
9 में 1 प्लस करेंगे तो बन जाता है 10। ये एक और पॉइंट बन गया। अब हम हिप्स की मार्किंग करेंगे। इस तरह हमारी ये तीन मार्किंग हो गई हैं। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। इसके बाहर 1 इंच की गैप देंगे कटिंग के लिए और फिटिंग्स के लिए। आर्म्स की मार्किंग के लिए यहाँ 1 इंच की लाइन खींचें इस कॉर्नर में और अब इसे गोलाई देके मिलाएं। फ्रंट आर्म की मार्किंग के लिए इस कॉर्नर से 1 इंच की लाइन देते हुए शोल्डर से गोलाई देते हुए इस लाइन को टच करें और फिर इसी पे गोलाई देके आर्म होल बनाएं। ये हमारी फ्रंट की आर्म है, ये पीछे का आर्म है। अब ये लाइन हम सीधा स्ट्रेट ले जाएंगे जिसमें कि कटिंग के लिए। अब हम इसे कटिंग करेंगे। पहले हम पीछे के आर्म्स काटेंगे। शोल्डर्स काटेंगे। गला काटेंगे, लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि मुझे पीछे की तरफ अलग गला देना है, तो इनको अलग अलग पीसेस, फ्रंट पीस और बैक पीस को अलग अलग करके काटेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पीस है, तो हम बीच में से बैक पीस को हटा लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म काटेंगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि पहले बैक पार्ट को हटाएं, फिर उसके बाद फ्रंट आर्म काटें। तो हमने अब बैक पार्ट हटा लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 लेयर हैं कपड़ों के, जो कि ये फ्रंट का साइड है। फ्रंट आर्म हमेशा बैक आर्म से थोड़े डीप होते हैं। अब हम ये नेकलाइन काटेंगे और इस तरीके से नेकलाइन काटने के बाद हमारा कुर्ती की कटिंग और मेजरमेंट तैयार है। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। अब हम बाजू बनाने जा रहे हैं। तो बाजू के लिए हमें जो हमारे फैब्रिक की लंबाई होगी वो होगी जो भी लेंथ आपको अपने लंबाई आपको अपने बाजू के लिए चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा ले लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ 8 इंच की बाजू बना रही हूँ, तो ये मैंने 10 इंच की लंबाई ली है और विड्थ होगी आपके चेस्ट की आधा मेजरमेंट और उसमें 2 इंच और प्लस कर लीजिए। जैसे कि मेरा चेस्ट है 36, तो 36 का आधा हो जाता है
36 का आधा है 18, तो इसमें मैंने 2 इंच प्लस कर दिए हैं, तो जो हो जाता है 20। तो ये मैं 20 इंच की लंबाई है, विड्थ है, और लंबाई है 10 इंच की। तो इस मेजरमेंट के आपको 2 पीस लेने हैं, एक बाजू के लिए और ये दूसरा बाजू के लिए। इनको दोनों को राइट साइड फेस करते हुए, ये सीधा साइड है मेरे कुर्ते का कपड़े का, और ये भी सीधा साइड है, इन दोनों को एक साथ फेसिंग एक साथ, ये उल्टा साइड पड़ जाता है, ये पीछे उल्टा साइड है। तो दोनों के जो राइट साइड है उन दोनों को एक एक साथ जोड़ के, एक साथ फेस करके हमें बराबरी में कपड़ा रख लेना है। इसके बाद इसे हाफ में फोल्ड करना है बीच से, अब ये जो खुला हुआ साइड है ये फोल्डेड साइड है, ये खुला हुआ साइड है, यहाँ से मुझे 3 इंच नीचे लेना है और यहाँ मार्किंग करूँगी मैं एक। इसके बाद करीबन 2 इंच ऊपर मुझे जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट ना रख के हल्का सा टेढ़ा कीजिए ज़रा सा, ये 2 इंच हम ऊपर आ गए। अब यहाँ से मुझे गोलाई ला के ऊपर की तरफ इस तरफ जाना है, अब तकरीबन इसके बीचों बीच से 1 इंच की लाइन खींचनी है, इस तरह से नाप के 1 इंच की एक लाइन खींचें, और इसी 2 इंच की लाइन जहाँ पे हमने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ से मुझे इसको टच करते हुए फिर से गोलाई देनी है। ये हमारा फ्रंट आर्म की कटिंग होगी, ये पीछे के बाजुओं की कटिंग होगी। अब मुझे यहाँ से मुझे वो लेंथ लेनी है जिस लेंथ की मैं अपनी बाजू बनाना चाहती हूँ, या फिर आप नीचे से 1.5 इंच छोड़ दें। यहाँ से नीचे से 1.5 इंच का गैप देके ये लाइन खींचें। अब इस तरफ हम अपने बाजुओं की नाप लगाएंगे, जो भी आपके बाजू का नाप है, जो राउंड नाप है, जैसे मेरा है 13 इंच, तो 13 का आधा हो जाता है 6.5, ये है गया 6.5। तो 6.5 को आपने इसमें आप आधा इंच इज अलाउंस नाप ले सकते हैं, तो हो जाता है 7 इंच, तो आप 7 इंच यहाँ पे नाप लीजिए। अब इस लाइन को मैं यहाँ मिला दूंगी, 1 इंच का या ज़्यादा आप गैप दे दीजिए कटिंग के लिए। पहले हम आगे के बाजू काटेंगे, ये अब 2 लेयर कपड़े के उठाएंगे और इसको सीधा करेंगे। अब हम ये आगे का बाजू काटेंगे जिससे कि हमारे फ्रंट आर्म का कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों बाजू तैयार हैं। अब हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। नेकलाइन के लिए सबसे पहले हमें एक कपड़े का पीस काटना है। आपने अपने गले की जो भी नपाई दी हो, जैसे कि मैंने 6 इंच दी थी, तो मैं उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई लूँगी, तो ये हो जाता है 7 इंच। तो ये मैंने 7 इंच की लंबाई ले ली है, और विड्थ मैं लूँगी जो भी आपने अपने गले की विड्थ दी है, जैसे कि मैंने 6 इंच दी थी, तो उसमें मैं 2 प्लस कर लूँगी और 8 इंच का मैं वाइड विड्थ दूंगी इस कपड़े का, ये हो गया 8 इंच। इसी नाप का आप इंटरफेस भी काट सकते हैं,
मैं यहाँ पे बिना इंटरफेस के गला बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरा कपड़ा है ये काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इंटरफेस की। नहीं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इंटरफेस के साथ ही नेकलाइन काट के बनाएं। तो ये विड्थ हो गई है, अब हम इस कपड़े के पीस को नेकलाइन के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी नेकलाइन। तो जो सीधा साइड है कपड़े का, ये है मेरा सीधा साइड, और सीधा साइड कुर्ते का। इन दोनों को एक साथ फेस करके हमें आपस में यहाँ जोड़ना है। इस तरीके से, और मेक श्योर करें कि ये जो बीच का गैप है ये आपके गले के विड्थ के बराबर हो। जैसे कि मैंने यहाँ 6 इंच दिया है, तो ये 6 इंच ही होना चाहिए, 6 से ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो मैं ये नाप लेती हूँ, ये 6 इंच हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको पिन अप कर दूंगी। पिन करने से काम थोड़ा आसान हो जाता है, आपका ये हिलेगा नहीं बार बार। तो मैं यहाँ पे इसको पिन करके उसके बाद इसके जस्ट साइड साइड में कॉर्नर्स पे, जस्ट एजेस पे मैं सिलाई दूंगी मशीन से पूरे गले के चारों तरफ, ये पूरा। और उसके बाद हम इसके अंदर की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको, इस फैब्रिक को, ये कपड़े को मैंने इस पे सिलाई कर दिया है, जस्ट इसके कॉर्नर कॉर्नर पे। बहुत ज़्यादा आपको कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके कॉर्नर कॉर्नर पे, इसके एजेस पे हमें करना है। और ये इस तरीके से जुड़ चुका है, ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड ऐसा लग रहा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा नेक का डिज़ाइन भी हमने काट लिया है। अब हम ये जो सिलाइयाँ हैं इसमें छोटे छोटे से कट्स देंगे, जो कि हमें ये नेक लाइन जब हम मोड़ेंगे तो इसे मोड़ने में ये इजी होता है, कपड़ा खींचेगा नहीं इससे। छोटे छोटे से कट्स दे। अब ये जो कपड़ा है पीछे से, जो राइट साइड है हमारे कुर्ते का, वो ऐसा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें अंदर ले जाएंगे, ये अंदर जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से ये हमारा नेक का शेप आप आ गया है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर चला जाएगा, और हम अब इधर एजेस में एक स्टिच देंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने एजेस पे सिलाई मार दी है, जिससे कि अब ये सेट हो गया है। ये है हमारा साइड, राइट साइड, और ये है हमारा उल्टा साइड, और उल्टे साइड से ये ऐसा है। अब हम इसे जस्ट डबल फोल्ड देके पूरा राउंड सिल लेंगे, जिससे कि हमारा नेक हो जाएगा। सिमिलरली हमें बिल्कुल सेम तरीके से बैक नेक जो है उसे भी बनाना है। पहले पुरान पीछे का नेक भी हो जाता है, इसके बाद हम दोनों शोल्डर्स को मिलाएंगे, राइट साइड और बैक साइड दोनों को। तो चलिए सबसे पहले हम नेक लाइन बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंधों से जोड़ लेते हैं। तो इस तरह हमने दोनों साइड के कंधों को जोड़ दिया है, नेक लाइन हमारा तैयार हो गया है। पहले हमें नेक लाइन तैयार करना है, उसके बाद हमें शोल्डर्स जोड़ने हैं। तो हमने शोल्डर्स जोड़ दिए हैं, और अब ये इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे दोनों तरफ, उसके बाद हम फिटिंग्स देंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स जोड़ लेते हैं। अब हमने बाजू भी जोड़ दिए हैं साइड से, अब हम फिटिंग्स देंगे। फिटिंग्स देने से पहले हमें ये जो हमारे बाजू के जो लोएस्ट पार्ट है,
इधर हमें 1.5 इंच की लाइन खींच के उसे डबल फोल्ड में करना है। इसे आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप इसे मशीन स्टिच भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन है। इस तरीके से ये दोनों तरफ से दोनों बाजू फोल्ड हो जाते हैं, फिर हमें फिटिंग्स देने हैं। अब हम फिटिंग्स देंगे साइड से। इसके लिए हमने अपने राउंड आर्म के हाफ, उसमें आधा इंच प्लस करके ईज अलाउंस के लिए यहाँ मार्किंग की है। फिर हम इस लाइन को हमने चेस्ट पॉइंट से जोड़ा है, और चेस्ट पॉइंट से फिर वेस्ट पॉइंट, और वेस्ट पॉइंट से फिर हम नीचे हिप्स पॉइंट तक लेकर आएंगे और वहाँ पे अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। तो ये हमने एक तरफ पहले ही हमने ये मार्किंग दे रखी थी मेजरमेंट के टाइम पे। इस फोल्ड को हमने जब खोला तो ये दूसरी तरफ से ऐसा है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसी लाइन से स्ट्रेट सेम मेजरमेंट लेते जाएंगे और इस तरफ के भी पॉइंट्स पूरे बनाएंगे, चेस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट एंड हिप्स पॉइंट। इसके बाद इनको एक कर्व में जोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई मारेंगे जिससे कि यहाँ हमारी साइड की फिटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम चाक बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने फिटिंग्स दे दी हैं। ये सबसे पहले हमने आर्म्स से शुरू किया है और ये फिटिंग्स गई हैं पहले चेस्ट पॉइंट पे, फिर यहाँ से हमने लाया है वेस्ट पॉइंट पे, और फिर यहाँ से हिप्स पॉइंट पे। हिप्स पॉइंट पे जाके यहाँ पे हमने ख़त्म किया है और यहाँ से हमने अपना चाक बनाना शुरू किया है। और इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड देके चाक को बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमारी हिप्स पॉइंट की स्टिच है, यहाँ से हमने इसको 1 और 2 फोल्ड देके इस तरीके से इसको बनाया। इसको आप पहले पिन अप कर लें, फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लें या फिर मशीन से डबल स्टिच दे दें, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आप इसको नीचे से डबल फोल्ड 1 इंच में इस तरीके से दें, और यहाँ पे चाहे तो हाथ से तुरपाई करें या मशीन से। इस तरीके से आपका सिंपल कुर्ती तैयार है। सो इस तरह हमारा सिंपल कुर्ती तैयार है। ये साइड से हमने चाक भी सिल दिए हैं और नीचे से इसे हमने ये सिलाई दी है, और गला हमारा इस तरह लग रहा है। हमने अंदर से हेमिंग की है, हेमिंग में मैंने इस तरीके से दिया है और ये अंदर से इस तरह लग रहा है। और इस तरह हमारा सिंपल कुर्ती तैयार है।